जेब की प्यास। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिनों के बाद बुखारा आया हुआ था। जैसे जैसे उसके पहचान के लोगों को मुल्ला नसरुद्दीन के बुखारा में होने की जानकारी मिल रही थी, वैसे वैसे मुल्ला नसरुद्दीन के पास मिलने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन खुश था। उसे लगा बुखारा होने का निर्णय गलत नहीं था। लोग इतने अरसे बाद भी उसे भूले नहीं है। बुखारा में मुल्ला नसरुद्दीन के चाहने वालों की कमी नहीं थी। सेठ करीम उसके प्रशंसकों में से एक था। सेठ को पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने मुल्ला नसरुद्दीन के आने की खुशी में बुखारा के चुनिंदा लोगों के लिए दावत का आयोजन अपने घर पर कर लिया और मुल्ला नसरुद्दीन को लेकर अपने घर चला गया। उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था उसने अपने घर पर ही की। मुल्ला नसरुद्दीन के तेज दिमाग, रोशन चेहरे और हाजिर जवाबी का वह कायल था तथा चाहता था कि उसकी निकटता हासिल कर वह मुल्ला नसरुद्दीन से हाजिर जवाबी का कोई गुर सीख ले। अपने इसी उद्देश्य के तहत वह मुल्ला को अपने घर ले आया था और उसकी शान में दावत देने के पीछे उसकी मंशा थी कि लोग जान ले कि मुल्ला नसरुद्दीन के साथ सेठ करीम की निकटता है। मुल्ला नसरुद्दीन की आप बगैर जिस तरह सेठ करीम ने की थी, उससे मुल्ला नसरुद्दीन भी सेठ करीम के प्रति उदार हो गया था और सोच रहा था कि किसी तरह वह सेठ करीम के इस उपकार का बदला चुका दे। खैर, दावत का दिन आ गया। सेठ करीम के घर को दावत के ख्याल से खूब सजाया गया था। लोगों को बैठाने और जिमाने के लिए जगह जगह पर खिदमतगार खड़े थे। इतनी चाक चबंद व्यवस्था थी कि कोई चूक निकालना मुश्किल था। अतिथि आने लगे थे। भोजन परोसे जाने में अभी देरी थी। मुल्ला नसरुद्दीन को एक ऊंचे तख्त पर बैठाया गया था ताकि दावत में आने वाला हर शख्स उसे देख सके कि यही वह शख्स है जिसकी शान में सेठ करीम ने इतनी बड़ी दावत दी है। मुल्ला नसरुद्दीन उस तख्त पर बैठकर आने वाले अतिथि को देख सकता था। उसने दरवाजे से एक गोल मटोल से आदमी को प्रवेश करते देखा। देखने में काफी संपन्न दिख रहे इस व्यक्ति ने कीमती और सजीला लिबास पहन रखा था। उसकी चाल में विशेष किस्म की अक्कड़ थी और उसकी मूंछें बड़ी रोबीली थी। सेठ करीम ने जब उस शख्स को देखा तो खुद उठकर उसकी अगवानी की और उसे एक गद्देदार तख्त पर बैठाया जिस पर पहले से ही गांव तकिए रखे हुए थे। मुल्ला ने उस व्यक्ति को देखकर अनुमान लगाया कि जरूर यह सेठ करीम का कोई रिश्तेदार होगा, अन्यथा यह खुद आगे बढ़कर उसकी अगवानी नहीं कर। थोड़ी ही देर के बाद सेठ करीम उस व्यक्ति को साथ लेकर मुल्ला नसरुद्दीन के पास आया तथा उससे मुल्ला का परिचय कराते हुए कहा, ये हमारे बड़े बहनोई हैं, रहमत अली, बड़े ही रसूख वाले इंसान हैं। पूरे बुखारा में इनके जैसे एक साख वाला कोई व्यापारी नहीं है। जुबान पर लाख करोड़ का हिसाब रहता है और इशारों पर करोड़ों की लेन देन हो जाती है। औपचारिकतावश मुल्ला नसरुद्दीन अपने तख्त से उठा और रहमत अली का अभिवादन किया। भोजन से पहले जलपान परोसा जाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गौर किया कि भुने हुए काजू, पिस्ता और अखरोट से लोग मुठ्ठियां भरने में लग गए हैं। मुल्ला के पास भी एक तस्तरी में भुने हुए मेवे आ गए और मुल्ला एक एक दाना उछालकर अपने मुंह में डालने लगा तथा आसपास के बदले हुए माहौल को देखने महसूसने में मग्न हो गया। लोग सूखे मेवों पर टूट से पड़े थे। तभी मुल्ला की नजर दूर बैठे रहमत अली पर पड़ी। रहमत अली मेवा भी खा रहा था और अपनी शेरवानी के आगे वाली जेबों में लोगों की नजर बचाकर मुट्ठी भर भर कर मेवा ठूस भी रहा था। वह जहाँ बैठा था वह जगह ऐसी थी जहाँ पर आम अतिथियों की नजर नहीं पड़ सकती थी। बहुत देर तक मुल्ला नसरुद्दीन बैठकर रहमत अली की कारगुजारी देखता रहा। जब जलपान समाप्त हो गया तब रहमत अली हाथ धोने के लिए अपने स्थान से उठा और दूसरी तरफ से मुल्ला नसरुद्दीन भी उसके पास आ गया।
जिस समय रहमत अली अपना हाथ धो रहा था उसी समय पानी का एक बर्तन उठाकर मुल्ला नसीरुद्दीन ने रहमत अली की शेरवानी की आगे वाली जेब में पानी डालना शुरू कर दिया। रहमत अली कुछ समझता कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक जेब छोड़कर दूसरी जेब में भी पानी डालना शुरू कर दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कारगुजारी पर रहमत अली मुल्ला को डांटने लगा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुमने तो मेरी शेरवानी ही खराब कर डाली। रहमत अली का गरजना बरसना सुनकर उसका साला सेठ करीम दौड़ा दौड़ा वहां पर नजर देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, ऐसा आपने क्यों किया जनाब। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तुरंत रहमत अली की शेरवानी में हाथ डाला और एक मुट्ठी भुने हुए काजू निकालकर सेठ करीम को दिखाते हुए कहा, सेठ करीम मैंने बहुत देर तक आपके रिश्तेदार की जेब को खाते देखा मगर उसे पानी पीते नहीं देखा, तो यह सोचकर उसे पानी पिलाने लगा कि इतना खाने पर तो किसी को भी प्यास लग सकती है तो जेब को भी लगी होगी। मुल्ला नसीरुद्दीन की मासूमियत से कही गई बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे और रहमत अली की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं।